नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शंभो साउंड में। और आज हम बात करेंगे रोड शो में साउंड क्वालिटी जो बची ही नहीं है महाराष्ट्र में या पूरे देश में ही, इसके बारे में। और इस टॉपिक पर मैं बहुत महीनों पहले से वीडियो बनाना चाहता था, फाइनली आज जाके मौका मिला है। तो ये प्रेशर मीड इतना हो चुका है कि साउंड के सामने जाने की कोई भला इंसान कोशिश भी नहीं करता या साउंड से छुपने की ज़्यादा कोशिश करता है। साउंड जहाँ भी लगे कानों में इतनी चुभन और इतना दर्द पैदा कर देता है कि कोई भी भला इंसान उसे सुनना ही नहीं चाहता। और महाराष्ट्र में इस बारे में तो इतनी गंदगी फैल गई है कि एक 4x1.5 के कैबिनेट में 8-8 और 10-10 400 वाट के ये प्रेशर मीड लगाए जाते हैं और साउंड की क्वालिटी के नाम पर थू है, कुछ भी नहीं है, 1% भी कोई नहीं, क्वालिटी के नाम पर कोई भी काम नहीं कर रहा है। हमारी आज कोशिश ये है कि कोई तो ये सुनकर, या किसी के दिल में पहले से हो लेकिन ये सुनकर उसका थोड़ा सा और हौसला बढ़ जाए, और कोई तो कैबिनेट मेकर साउंड सिस्टम वाला क्वालिटी की तरफ ध्यान दे या काम करना शुरू कर दे। महाराष्ट्र में आप कोई भी रोड शो कहीं भी जाकर अचानक से देख लीजिए, क्वालिटी के नाम पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, साउंड क्वालिटी बिल्कुल नहीं, सिर्फ इतना आपके कानों में दर्द करेगा वो साउंड। और कौन सा साउंड ज़्यादा कान खराब कर रहा है उसको टॉप कहा जाता है, ये तो सबसे बड़ा दर्द है जो लोग साउंड क्वालिटी चाहते हैं उनका। अब जब कैबिनेट मेकर से बात करो कि यार ये इतनी क्वांटिटी सही नहीं है, तो बोलते हैं कि बिजनेस की मजबूरी है, दूसरे कैबिनेट मेकर ने इतने लगा दिए तो मुझे तो इतने लगाने ही पड़ेंगे। उसके और मेरे कैबिनेट कभी अगर एक दूसरे के सामने आकर किसी दिन मुकाबला हो गया, सेटअप बजने लगे, तो मेरा हारना नहीं चाहिए, मेरा जो गंदगी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, मेरा कानों में और ज़्यादा चुभना चाहिए ताकि मुझे लोग अच्छा कहें। और हालत ये हो चुकी है कि कैबिनेट मेकर ये बोलकर कैबिनेट बेच रहा है कि मेरे कैबिनेट में उसी साइज में क्वांटिटी ज़्यादा है, मतलब दूसरा कैबिनेट वाला एक साइज में मान लो 48x18 मतलब 4x1.5 का जो टॉप का कैबिनेट है उसमें दूसरा कैबिनेट वाला अगर 8 HF और 2 10 इंच के स्पीकर दे रहा है, तो ये बोलता है कि मैं 10 HF और 2 8 इंच के स्पीकर दूंगा, तो 2-400 वाट आपके कैबिनेट में और बढ़ जाएंगे और 8 इंच के स्पीकर मैं कोई आपको बढ़िया दे दूंगा कि 8 और 10 इंच का फर्क आपको महसूस नहीं होगा। इस लेवल पर आ गई है मार्केटिंग कि सिर्फ क्वांटिटी बताकर कैबिनेट बिक रहे हैं। महाराष्ट्र में कैबिनेट मेकर इतने हो गए हैं कि अगर दिल्ली छोड़ दे, पर दिल्ली में भी जो कैबिनेट मेकर है वो तो डायरेक्टली दुकानदारों को बेचने वाले ज़्यादा है, डायरेक्टली कस्टमर को बेचने वाले कैबिनेट मेकर महाराष्ट्र से ज़्यादा कहीं नहीं है। और महाराष्ट्र के कैबिनेट की क्वांटिटी इतनी है, इतने लोग हैं कैबिनेट मेकर कि अगर दूसरे 5 राज्यों के एक साथ भी जोड़ दे तो भी महाराष्ट्र आगे जाएगा। और ये सिर्फ रोड शो में ही क्यों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लाइव शो के क्वालिटी के कैबिनेट यहाँ कोई क्यों नहीं बना रहा, कोई क्वालिटी पर क्यों फोकस नहीं कर रहा, क्योंकि लाइव शो में जो लोग पैसा लगाते हैं, लाइव शो में जो लोग काम करते हैं, लाइव शो के सेटअप में जो बिजनेस में लोग हैं, वो इन लोगों को अपने सामने खड़ा भी नहीं करते क्योंकि उनको चाहिए क्वालिटी। ऐसे लोग भले कम है लाइव करने वाले, लेकिन वो किसी ब्रांड को ही प्रेफर करते हैं, इनको नहीं। तो इनको ये बात समझनी चाहिए कि लाइव वाले हमें लोग नहीं प्रेफर करते, इसका मतलब हमारे पास क्वालिटी नहीं है, लेकिन ये लोग ये मानते नहीं है या फिर उनको जानबूझकर मानना नहीं है। और ये सब इसलिए कि ज़्यादा पैसा रोड शो में मिलता है, रोड शो का मटेरियल जो हम 4 ड्यूल का सेटअप कुछ सालों पहले मतलब 3-3.5 लाख में बनाते थे, आज 3-3.5 लाख के तो कैबिनेट ही नहीं आ रहे एम्प्टी कैबिनेट, बाकी सेटअप तो आप छोड़ दीजिए, एम्पलीफायर ये वो ये, विदाउट जनरेटर विदाउट गाड़ी 15 लाख के पार चला गया है महाराष्ट्र में सेटअप का प्राइस। क्वांटिटी का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो किसे हुआ है कि छोटे बिजनेस करने वालों को, मतलब जो लोग अपना सेटअप क्वालिटी पर फोकस करके चलाते थे, छोटा सेटअप था। देखो सालों पहले जब ये एचएफ की क्वांटिटी का, या एचएफ मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि प्रेशर मीड ट्रेंड नहीं था, तो 3.5-4 लाख में 2 ड्यूल का सेटअप बन जाता था जिसमें 18 इंची का सेटअप था और कोई 5,000-6,000 वाट का एम्पलीफायर लगा लिया बेस के लिए, 2 एम्पलीफायर मिड और एचएफ, कई लोग तो वो भी एक साथ ही मिड एचएफ के एक ही लाइन यूज़ करते थे।
टू वे सेटअप जो यूज करते थे, थ्री वे नहीं करते थे, उनको तो और भी एम्पलीफायर कम लगते थे। अब ये हो गया कि जब प्रेशर मिड लगता है तो सेटअप हो जाता है फोर वे। फोर वे होता है, प्रेशर मिड की कीमत बहुत ज़्यादा है। प्रेशर मिड से साउंड ज़्यादा बजेगा तो बेस महसूस नहीं होता है। तो बेस में आप कितने भी बड़े स्पीकर लगा दो, बीएनसी लगा दो, 21 इंची लगा दो, 24 इंची कुछ नए ब्रांड कोशिश कर रहे हैं वो भी लगा दो, कहीं से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बेस बहुत ही कम लगता है। इतनी क्वांटिटी में प्रेशर मिड लगाएंगे तो कहाँ बेस महसूस होगा। ये सिर्फ कानों को खराब करने की कोशिश है, और ये सिर्फ कान खराब कौन ज़्यादा करेगा, जैसे कि मैंने पहले बताएगा वही विनर है। अब मैं बात पूरी करूँगा कि छोटे बिजनेस, जो छोटे लोग थे जिनके पास कम पैसा है, उन लोगों का इसमें कितना नुकसान हुआ है। उनका सेटअप जो 4-5 लाख में बनता था जनरेटर के साथ, आज वो 15 लाख में भी नहीं बन रहा है। मतलब इन्वेस्टमेंट 3 से 4 गुना हो गया, और मार्केट में रेट तो लगभग वही है या कुछ साइट में कंपटीशन की वजह से और कम हो गए हैं। ये सब किसने शुरुआत करी है, ये सब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये छोटे लोगों को मारने का एक तरीका ही है छोटे धंधे वालों के लिए। लेकिन अब जब हम कहते हैं दुकानदारों को या किसी कंपनी को, इसमें कंपनीज बहुत कमा रही है। जिस सेटअप में 2-3 एम्पलीफायर लगते थे, अब वहाँ 24-24 एम्पलीफायर लग रहे हैं, 25-25 लग रहे हैं, 30-30 एम्पलीफायर लग रहे हैं। आपको अगर मेरी बात झूठ लग रही है कि 30-30 एम्पलीफायर एक रोड शो के सेटअप में, तो महाराष्ट्र में किसी भी चलते रोड शो में आप गाड़ी के अंदर जाके झांक कर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो कंपनीज तो इसमें कमा रही है, एम्पलीफायर मैन्युफैक्चरर, ये सेलर, इम्पोर्टर सब कमा रहे हैं। अब इसमें कमा रहे हैं वो बड़े सेटअप वाले भी, जिन लोगों ने अपना बिजनेस ही शिफ्ट कर दिया। जो बड़े सेटअप वाले पैसों वाले लोग थे, वो तो कैबिनेट मेकर भी बन गए। उन्होंने डेमो के लिए 1-2 सेटअप रखे हैं अपने पास, और बाकी वो कैबिनेट बना रहे हैं। वो अपना बिजनेस ही उन्होंने शिफ्ट कर दिया है कैबिनेट में। लोगों को दिखता है कि ये इस नाम की, ये कैबिनेट की, ये गाड़ी या ये सिस्टम बज रहा है, एक्चुअली वो एडवर्टाइज होती है। भले वो शो करने के लिए 200 किलोमीटर जाए, 400 किलोमीटर जाए, कर्नाटका में जाए, एमपी में जाए, लेकिन एक्चुअली उसमें पैसा कमाने का कोई मोटिव नहीं होता। मोटिव होता है एडवर्टाइजमेंट का। वहाँ जाकर ये साउंड बजेगा तो ये कैबिनेट लोग मांगेंगे, और हमारा कैबिनेट बिकेगा, और कैबिनेट जब बिकेगा तो ये पूरा किट देते हैं। मतलब एम्पलीफायर कौन से ब्रांड का होगा वो डिसाइड करेंगे, या फिर किसी ब्रांड का लेकर अपना ही स्टिकर चिपका देंगे, और सारे स्पीकर उसमें अंदर ये चप, प्रेशर मिड, सब खुद का डिसीजन होता है। पूरा किट, होल एंड सोल किट दिया जाता है। तो उसमें काफ़ी पैसा बचता है कैबिनेट मेकर को। अब जब बड़े बिजनेस वाले, बड़े साउंड वाले कैबिनेट मेकर बन गए, उन्होंने तो अपना शिफ्ट कर लिया, लेकिन जो बाकी छोटे बने, बाकी छोटे जो साउंड सिस्टम का बिजनेस करते थे, रोड शो में करते थे, उनके तो बिजनेस बैठ चुके हैं पूरी तरह, और फिर वो कमा भी रहे हैं। तो 6-7 महीने में कोई नया ट्रेंड ये कैबिनेट मेकर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, फिर उनको नए हिसाब से नए कैबिनेट चाहिए, या फिर नया कोई और मटेरियल चाहिए, और ट्रेंड के हिसाब से, ट्रेंड को फॉलो करने के लिए, कुछ नया खरीदने के लिए, जो 6-7 महीने, 8 महीने, 1 साल में कमाया, फिर से उस सिस्टम में लगाना पड़ता है। मतलब कमाई के नाम पे कुछ भी नहीं रहा है छोटे साउंड बिजनेस वालों के लिए। रोड शो करने वालों के लिए हर जगह यही हालत है। रोड शो करने वालों की महाराष्ट्र में बहुत ही बुरी हालत है। जो कैबिनेट मेकर नहीं है, छोटे हैं बिजनेस में, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। अब जो लोग चाहते हैं कि साउंड क्वालिटी वाले रहे, क्वालिटी के साथ ये बिजनेस किया जाए, उसमें एचएफ की क्वांटिटी, मतलब प्रेशर मिड की क्वांटिटी कम होना चाहिए, तो ऐसा कोई सोचने वाले बहुत ही कम लोग मिलते हैं। और जो सोचते हैं उनकी भी मजबूरी है कि अब उनको ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा। अगर ये बिना प्रेशर मिड के या एक कैबिनेट में एक प्रेशर मिड लगाया, जो कि मैं सही समझता हूँ, चलो ज़्यादा से ज़्यादा उतना है, 100-150 वाट का एक टॉप में एक आप यूज़ कर लीजिए, कोई बात नहीं। आपके सामने जो सेटअप आएगा उसमें अगर समझो 24-36 प्रेशर मिड लगे हैं, तो आपका तो उसके सामने मतलब आवाज़ ही नहीं निकल सकता, इतना वो रायता फैला देगा। तो ऐसे में जो लोग क्वालिटी पर फोकस करना चाहते हैं, उनकी भी मजबूरी है कि उनको ये क्वांटिटी के साथ जाना पड़ता है।
अब अगर कल मैं भी इस चैनल पर कोई 400 मिड किसी कंपनी के 400 वैट की ये मिड रेंज ड्राइवर या प्रेशर मिड की वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे मत गालियाँ देना। अब ये सब मजबूरी हो गई है, लेकिन जो कैबिनेट मेकर, जो लोग हैं जो चाहते हैं कि क्वालिटी के साथ जाए, वो थोड़ी बहुत अपनी तरफ से कोशिश करना शुरू कर दे, तब जाके हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ट्रेंड हम टर्न कर सके। अब और एक बड़ी बात है कि महाराष्ट्र में साउंड के खिलाफ, रोड शोज के खिलाफ और इनकी लाउडनेस के खिलाफ काफ़ी सारे लोग पहले से ही कोर्ट में जा चुके हैं और उसकी तरफ से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन या उसमें पाबंदी भी, बहुत तरीके के बंधन इसमें आ चुके हैं पहले से। और जब ज़्यादा लोग जाएंगे इस वजह से इस गणपति में तो और भी बहुत सारे केसेस बन गए हैं, तो कल और भी बिजनेस के लिए ये बुरा साबित होने वाला है। हो सकता है कि रोड शो ही बंद हो जाए आगे कुछ सालों में। महाराष्ट्र में तो ये परिस्थितियां हैं जहां से मैं हूं, तो अपने इस बिजनेस को बचा के रखने के लिए भी ये क्वांटिटी प्रेशर मिड की कम करके क्वालिटी पर फोकस करना अच्छी बात है, ये करना चाहिए, नहीं तो ये बिजनेस के लिए भी खतरा बन चुका है। इस बारे में आप क्या सोचते हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मैंने वीडियो ही इसलिए बनाया है कि आप क्या सोचते हो, क्या मैं सोचता हूँ वैसा ही कुछ आप सोच रहे हैं, तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।